Hello everyone. In today's lecture, we will start with the finite state machines. And finite state machine is the simplest model of the computation. And it has very limited memory. So finite state machine is the first thing or the first machine that we will learn in the TOEFL subject. And it is bounded by some of the limitation. First thing is that it is a very simple mode of the computation or very simple model of the computation, but it will have very limited memory. That is the limitation. So very limited memory. Now the finite state machines, or in short, if I say this is FSM, can be of two types. One is the finite state machine or finite automata with output and finite automata without output. So the finite automata without, or if you're dealing with the finite automata without output, so there will be three different types of the machines that we will learn in our lectures. First is the NFA. It means non-deterministic finite automata. Another one is the deterministic finite automata. And then epsilon NFA means epsilon non-deterministic finite automata. In the finite automata with the output, we will learn two types of the machine. One will be Moore machine, and another one will be Mealy machine. So in the Moore machine, the output will be associated with the states, and in the Mealy machine, the output will be associated with the transitions. Now, let us learn about the finite state machines and try to understand that ye kya karega, ya is type ki jo machines hogi, kya karega. So let's say we have designed a machine. So every machine is designed for a language. किसी भी मशीन को हम एक लैंग्वेज के लिए डिजाइन करेंगे. इस मशीन में जब हम किसी इनपुट स्ट्रिंग को प्रोवाइड करेंगे तो ये मशीन या तो हमें एक्सेप्ट करेगा गिवन स्ट्रिंग को, या ये इस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगा. सो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी स्ट्रिंग को प्रोवाइड करते हैं मशीन को, और हमारी इस मशीन फाइनाइट स्टेट मशीन है, तो ये गिवन स्ट्रिंग को या तो एक्सेप्ट करेगा या तो इसको रिजेक्ट कर देगा. सो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी हमारी जो लैंग्वेज है वो अल्फाबेट सेट से बनता है, और इफ आई अप्लाई द स्टार हियर, इट मींस दैट वी आर टेकिंग द क्लोजर, इट मींस वी हैव टेकन द यूनियन ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ सिग्मा. नाउ इस लैंग्वेज के पार्ट में जो भी स्ट्रिंग्स होगी, वो जब प्रोवाइड करेंगे हम इस मशीन को, तो या तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी या तो वो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी. अगर वो स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, और अगर वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी. प्रीरिक्विजिट जो फाइनाइट स्टेट मशीन है, उसके प्रीरिक्विजिट में हमें ये भी जानना चाहिए कि एक छोटा सा अगर हम ऑटोमेटा बनाएं, लेट्स से दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ऑटोमेटा फॉर सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, set of all strings over, let's say, AB of length 2. So, सबसे पहले अगर हम लैंग्वेज बनाएं, सो लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कि ए बी से बनने वाले दो लेंथ की जो स्ट्रिंग्स होगी वो होगा ए ए, बी बी, ए बी या बी ए. ये स्ट्रिंग्स हैं जो इस लैंग्वेज का पार्ट होगा. सो अगर हम इस ऑटोमेटा में ये माने कि ये हमारा स्टार्ट स्टेट है, और हम इसमें ए और बी को प्रोवाइड करें, सो हम किसी स्टेट में मूव करेंगे, और अगेन ए बी अगर हमें मिल जाए तो हम अगेन एक स्टेट में मूव करेंगे, और चूंकि टू लेंथ की ये स्ट्रिंग है इसलिए ये मेरा स्टॉप स्टेट होना चाहिए. लेकिन मान लीजिए कि मेरे स्ट्रिंग की लेंथ दो से ज्यादा है, तो हमें ऐसे स्टेट में मूव करना चाहिए जो इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट ना करे. तो अगर हम मान लेते हैं कि मेरा पहला स्टेट ए है, दूसरा स्टेट बी है, तीसरा स्टेट सी है, और चौथा स्टेट डी है, तो अगर हम इसमें देखें
स्ट्रिंग ए ए, तो वो कैसे प्रोसेस होगी? स्टेट ए से हम स्टेट बी मूव करेंगे बाय टेकिंग ए, फिर स्टेट बी से स्टेट सी मूव करेंगे बाय टेकिंग ए, और ये डबल सर्किल वाला जो स्टेट है उसको हम कहेंगे कि दैट इज द फाइनल स्टेट, और अगर हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए तो हम कहेंगे कि हमने स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया। अगर ये स्ट्रिंग मेरी ट्रिपल ए होती, सो ये तीन लेंथ की स्ट्रिंग होती, सी तक तो हम ऑलरेडी डबल ए से पहुंच चुके हैं, सी पे अगर हम एक ए लेंगे तो हम डी पे पहुंच जाएंगे, और डी मेरा नॉन फाइनल स्टेट होगा। किसी भी नॉन फाइनल स्टेट में पहुंचने का ये मीनिंग है कि हमारी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गई। तो मशीन ने या तो एक्सेप्ट करना है स्ट्रिंग को या तो उसको रिजेक्ट करना है। सो नाउ यू कैन सी दैट ये जो हमने ऑटोमेटा बनाया है या जो ये मशीन हमने बनाया है, इस मशीन में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें एक स्टेट ऐसा है जिसके ऊपर एक एरो है जो कि बाहर से आ रहा है, तो ऐसे स्टेट को हम इनिशियल स्टेट कहते हैं या स्टार्ट स्टेट कहते हैं। इसी के साथ साथ एक ऐसा स्टेट है जिसमें डबल सर्कल बना हुआ है, इसको हम कहते हैं कि दिस इज द फाइनल स्टेट। इसके साथ साथ एक एरो है जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिट करने के लिए यूज किया जा रहा है, इसको हम, इसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है और इस लेबल को हम कहते हैं सिंबल, और ये जो सिंबल जब प्रोवाइड करेगा तो स्टेट का ट्रांजिशन होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो एज है वो ट्रांजिशन को डिनोट करता है, और ये जो एजेस हैं वो लेबल्ड एजेस हैं। इसका मतलब है कि किसी सिंबल को लेने से ही हम किसी स्टेट में मूव करेंगे। सो चूंकि हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, ट्रांजिशंस, सो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द डीएफए, जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज एक्चुअली अ फाइव टपल और डिफाइंड बाय फाइव टपल, एंड दोस फाइव टपल्स आर क्यू मीन्स सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, सिग्मा मीन्स अल्फाबेट सेट, देन क्यू जीरो दैट डिनोट्स द स्टार्ट स्टेट, एंड देन एफ मीन्स सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, एंड अ ट्रांजिशन फंक्शन डेल। सो आइए एक एक चीज को डिफाइन करते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी एक छोटा सा ऑटोमेटा बना लिया है। सो क्यू का मीनिंग है सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, तो जो गिवन हमारा ऑटोमेटा है उसमें सेट ऑफ ऑल स्टेट्स हैं ए बी सी और डी। जो इनपुट अल्फाबेट सेट है हमारे पास दोज आर ए एंड बी। क्यू जीरो मीन्स स्टार्ट स्टेट, और मेरे पास जो स्टार्ट स्टेट है वो ए है। एफ का मतलब है सेट ऑफ फाइनल स्टेट, इसका मतलब है कि मेरे फाइनाइट स्टेट मशीन में एक एक से ज्यादा भी फाइनल स्टेट हो सकते हैं। एक तो फाइनल स्टेट जरूर होगा लेकिन एक से ज्यादा फाइनल स्टेट भी हो सकते हैं। सो सी हियर इज द फाइनल स्टेट। डेल बताता है एक ट्रांजिशन फंक्शन, और ट्रांजिशन फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पहले तो हम एक टेबल बना लेते हैं एंड देन उसके बाद हम इसको दूसरे तरीके से भी समझेंगे। सो ये मेरे पास एक टेबल है, और इस टेबल में चार रोज हैं और दो कॉलम्स हैं, एक सिंबल ए के लिए एक सिंबल बी के लिए। यहाँ पे हम स्टेट्स लिख लेते हैं ए बी सी और डी। ए पे स्मॉल ए मिलने पे हम बी मूव करते हैं, ए पे स्मॉल बी मिलने पे हम बी मूव करते हैं, बी से स्मॉल ए मिलने पे हम सी मूव करते हैं, इसी तरह से बी से स्मॉल बी मिलने पे हम सी मूव करते हैं, सी से स्मॉल बी ए पे हम डी मूव करते हैं, और स्मॉल बी पे भी डी मूव करते हैं। डी पे अगर मान लीजिए कि कोई अल्फाबेट और आ जाए, ए या बी आ जाए, तो हम उसी स्टेट में रहेंगे। सो डी से स्मॉल ए या स्मॉल बी मिलने पे हम उसी स्टेट में रहते हैं। सो नाउ ये हमारा एक ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन कर रहा है, एक टेबल के फॉर्म में ट्रांजिशन टेबल है, जिसमें कि ए स्टार्ट स्टेट है इसलिए हमने एरो लगा दिया, और इसमें सी फाइनल स्टेट है इसलिए हमने एक सर्किल लगा दिया इसमें। नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो आपको जितने भी स्टेट्स आपके गिवन है, मतलब क्यू, और जितने भी अल्फाबेट सिंबल गिवन है लेट्स से ए एंड बी, इससे आप मैप करते हैं या मूव करते हैं किसी स्टेट में, क्यू के किसी स्टेट में आप मूव करते हैं। सो इसका मतलब क्यू क्रॉस सिग्मा गिव्स अस
क्यू और दिस मैप्स टू क्यू, इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से भी देखें कि ए ऑन स्मॉल ए एंड देन बी ऑन स्मॉल बी देन सी सॉरी ए ऑन स्मॉल बी देन बी ऑन स्मॉल ए देन बी ऑन स्मॉल बी देन सी ऑन स्मॉल ए सी ऑन स्मॉल बी डी ऑन स्मॉल ए एंड डी ऑन स्मॉल बी। मान लेते हैं कि ये हमारे सेट्स हैं, ए सर्व स्टेट्स हैं ए बी सी एंड डी। सो ऑन ए विद इनपुट ए यू मूव टू स्टेट बी, सिमिलरली ऑन ए विद स्मॉल बी यू मूव टू स्टेट बी, ऑन बी विद स्मॉल ए यू मूव टू सी, सिमिलरली विद बी ऑल्सो यू मूव टू सी, सी ऑन स्मॉल ए मूव्स टू डी, सी ऑन स्मॉल बी मूव्स टू डी, डी ऑन स्मॉल ए मूव्स टू डी एंड डी ऑन स्मॉल बी ऑल्सो मूव्स टू डी। सो वी हैड अ सेट ऑफ द स्टेट्स ए बी सी डी एंड वी हैव टेकन इट्स क्रॉस प्रोडक्ट विद द सिग्मा, वी आर मूविंग टू वन ऑफ द स्टेट इन क्यू। सो दैट्स वाई ये जो डेल फंक्शन है इन डी एफ ए इज डिफाइंड बाई क्यू क्रॉस सिग्मा विच मैप्स टू वन ऑफ द स्टेट्स इन क्यू। सो आई होप आपने इस बात को समझा कि हम किसी डी एफ ए को कैसे डिफाइन करते हैं। सो डी एफ ए कंटेन्स फाइव, डी एफ ए इज डिफाइंड बाई द फाइव टपल्स। सो द फर्स्ट थिंग इज द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, सेट ऑफ सिंबल्स, स्टार्ट स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, मीनिंग कि कई सारे फाइनल स्टेट हो सकते हैं हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा में, एंड डेल मीन्स द ट्रांजिशन फंक्शन। सो आई होप आप डी एफ ए समझ पाए हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डी एफ ए डिजाइन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।